हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आई थिंक आप सबको सर्दी, जुखाम, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, सारी चीज़ें आपको स्टार्ट हो गई होंगी। इवन खांसी भी स्टार्ट हो गई होगी। तो उसी का आज मैं बहुत ही सरल उपाय लाई हूँ। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ एक थायराइड चूर्ण शेयर किया हुआ था, जिसको आयुर्वेद में त्रिकूट बोलते हैं। तो आज मैं त्रिकूट की ही टी बनाने वाली हूँ, और उसे किस तरह से बनाना है, किस तरह से लेना है प्रॉपर, अभी वीडियो में आगे है। और वो त्रिकूट अगर जो स्पेशली थायराइड वाले ले रहे हैं तो उन्हें इसकी टी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है। और आई थिंक जो लोग भी त्रिकूट ट्राई कर रहे हैं उनको सर्दी, जुकाम, फीवर ये सब नहीं होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं स्टार्ट किया है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन आपको सर्दी, जुकाम ये सब की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थायराइड में भी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा थायराइड चूर्ण, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर पिन कमेंट में भी आपको शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो थायराइड चूर्ण है ये पूरा एक टेबल स्पून लेना है, जिसे त्रिकूट भी बोलते हैं आयुर्वेद में, जो पीपरी, काली मिर्च और सोट से मिलकर बना है, जिसकी इक्वल क्वांटिटी होती है। तो चाय बनाने के लिए आपको एक कप पानी चाहिए, मतलब अंदाजन एक कप पानी चाहिए, और उसके बाद उसको गर्म होने दीजिए। और एक कप पानी में आपको एक चम्मच जो है वो त्रिकूट पाउडर डालना है, ये ही इसका मेजरमेंट है। दो कप बनाएंगे तो दो कप डालेंगे, और इसे एक से दो मिनट तक, यानी कि एक बॉयल आ जाए अच्छे से, मतलब जैसे कि आप दूध गर्म करते हो तो जब बॉयल आ जाते हैं तो एक दो बॉयल आ जाए धीमी आंच पे, एक दो सेकंड पकाइए और उसे वैसे ही पकने दीजिए। और उसके बाद गैस को बंद करके आपको इसे स्ट्रेन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, विदाउट स्ट्रेन आपको इसे पीना है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें हनी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है कि हनी आपको मिलाना है कि नहीं मिलाना है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो हनी है वो भी कफ कोल्ड को ढीला करती है, साइनस की प्रॉब्लम भी उससे दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको भी प्रॉब्लम है ऐसी, या फिर आप चाहते हो कि अभी आप बिल्कुल सही हो, आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम ना हो, तो भी आप इसे ले सकते हैं। और दिन में किसी भी टाइम आपको लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह लेना है, शाम लेना है, किसी भी टाइम नहीं। आप बाहर से आए हो, आपको लग रहा है जुखाम होने वाला है, जस्ट आपने ये चाय बनाई और पी ली, देखिए तुरंत भाग जाएगा। और जो चाहते हैं कि पूरे ठंड वो मज़े से इस ठंड को इन्जॉय करें, तो पूरी ठंड आपको दिन में एक बार आप इसे लीजिए और इन्जॉय करिए। आपको ठंड बिल्कुल छू भी नहीं सकती है, साइनस की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है। और त्रिकूट चूर्ण जो लोग खा रहे हैं, आई थिंक थायराइड के पेशेंट, उनको तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप टेस्ट के लिए पीना चाहें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो हनी मिला के आप इसे फ्री होके पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप दिन में इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कफ है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, और आपको बहुत ज़्यादा गला चोक है, तब आप ले सकते हैं। आपको खांसी की प्रॉब्लम आ रही है तब आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप अगर आपको टेस्टी लग रही है तो आप पूरी ठंड भर इसे ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ईजी होके पीजिए, फ्री होके पीजिए। थायराइड वाले तो स्पेशली अगर चूर्ण नहीं खा सकते हैं तो इसे ले, इस चाय को ले, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आगे टाइम टू टाइम मैं इसके बेनिफिट्स बताती रहूंगी। तो जिन लोगों का चूर्ण रेडी है वो अभी क्या, जैसे ये वीडियो देखिए उसके तुरंत बाद इसकी एक कप चाय भी बनाइए और पीना स्टार्ट करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।